राम राम जी, सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। लेकर आए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इन वीडियोस के जरिए आप अपना टेस्ट लगाकर देख सकते हैं और जान सकते हैं आप अपने एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइसियम के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है, लाइसियम के संस्थापक थे अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विभिन्न अभ्यासों को पहली बार वर्गीकृत किया? तो इसका सही आंसर है, ये भी किया अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा निर्धारित किए गए? तो ये किए गए थे गैलन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पैलेस्ट्रा और डिडास्केलियम प्रसिद्ध थे, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? एथेंस में। ये कहाँ प्रसिद्ध थे? एथेंस में। पैलेस्ट्रा और डिडास्केलियम एथेंस में प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, पैलेस्ट्रा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था व्यायामशाला के लिए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही आंसर है 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जल किस में जल का सर्वाधिक प्रतिशत होता है? तो इसका सही आंसर है, ये होता है आमाशय रस में और लार में। अगला क्वेश्चन है, पेशी उत्तकों में जल का प्रतिशत क्या होता है? तो ये होता है 75%। पेशी उत्तकों में जल का प्रतिशत 75% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेशियों में जल किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है, लचीलेपन के लिए। पेशियों में जल लचीलेपन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर द्वारा नियमित तापमानों पर प्रतिदिन कितना जल निष्कासित होता है? तो ये होता है 1 गैलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंगे पांव दौड़ने से क्या होता है? तो इसका सही आंसर है अंकुश कृमि संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है, श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सममितीय संकुचन में पेशी छोटी हो जाती है? तो इसका सही आंसर है, छोटी हो जाती है, सममितीय संकुचन में पेशी छोटी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्कैपुला कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है, स्कैपुला ऊपरी पीठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिसमस डोर्सी कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर है पीठ में। इसका सही आंसर है, लैटिसमस डोर्सी पीठ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्डोसिस का एक नाम यह भी है? तो इसका सही आंसर है अवतल पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवलय है? तो इसका सही आंसर है मुक्त वायु में प्रक्षेपित किसी पदार्थ का मार्ग। मुक्त वायु में प्रक्षेपित किसी पदार्थ का मार्ग है परवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम और गति जैसे पदों का अध्ययन किस में होता है? तो ये होता है जैव यांत्रिकी में। विराम और गति जैसे पदों का अध्ययन जैव यांत्रिकी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के उत्तोलक में भार बल और आलम के बीच में होता है? तो इसका सही आंसर है, ये होता है प्रारूप 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलुक और उल्लूखल संधि के चारों ओर का संचलन है? तो इसका सही आंसर, इनमें से सभी, आकुंचन और विस्तारण, परिक्रमण और परिसर्पण, अति विस्तारण, सभी गोलक और उल्लूखल संधि के चारों ओर का संचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल कूद का कार्य निष्पादन किसका उपपरिणाम है? तो इसका सही आंसर है, ये है संपूर्ण व्यक्तित्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कायंत्रण किस उम्र के बीच होता है? तो ये होता है 7 से 10 वर्ष के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म शिक्षण को प्रोत्साहित करने की सर्वाधिक प्रभावी विधि है? तो इसका सही आंसर है, ये है निरीक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर और मन के संबंध का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था प्लेटो ने। शरीर और मन के संबंध का सिद्धांत प्लेटो ने प्रतिपादित किया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है देकार्ते की। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये कहा देकार्ते ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है? तो इसका सही आंसर है, प्लेटो के कथन है, ये प्लेटो के द्वारा कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के आनुवांशिक कारक हैं? तो इसका सही आंसर है, ये उपरोक्त सभी, कद और वजन, शारीरिक संरचना और शारीरिक गठन, सभी शिक्षण के आनुवांशिक कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वजनित प्रशिक्षण एक विधि है? तो इसका सही आंसर है, ये है शरीर में शिथिलन लाने की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के व्यवहार की तुलना में पशु व्यवहार में निम्न में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? तो ये मिलती हैं उपरोक्त सभी: सरलता, मानव परिवेश का कम प्रभाव और समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से कौन प्रदान करता है? तो ये इसका सही आंसर ये उपरोक्त सभी: मनोवैज्ञानिक, निरीक्षक और विषयी। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर है ये है आनुवंशिकता से प्रभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मनोविज्ञान की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है ये है जटिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु में से क्या है? तो इसका सही आंसर है दोनों: उत्तेजना अनुक्रिया और आंतरिक अनुभव। अगला क्वेश्चन है, वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से क्या नहीं है? तो ये इसका सही आंसर है आंतरिक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम आती है? तो ये आती है तालबद्ध व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विशेष व्यायाम को क्या कहते हैं जो डंबल आदि की सहायता से मांसपेशी विशेष को शक्तिशाली बनाते हैं? तो इसका सही आंसर है भार प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन, भार प्रशिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? तो ये किया गया था जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, परिधि प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर है मॉर्गन एंड एडमसन ने। परिधि एवं प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन मॉर्गन एवं एडमसन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधि प्रशिक्षण विधि किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो ये आई थी 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरमाना रक्त के तापमान को बढ़ाता है जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां प्रदर्शन को बढ़ाती हैं? तो ये कथन किसका है? ये कथन है डेब्रिस का। अगला क्वेश्चन है, जो व्यायाम सामान्यतः स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आइसोमेट्रिक व्यायाम, जो दिखाई नहीं पड़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस व्यायाम में सामान्यतः गतियां प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं आइसोटोनिक व्यायाम। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रदर्शन को देखकर व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर खिलाड़ी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाए, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो यह कहलाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरे समूह के लिए एक स्थान को तैयार करना पड़ता है, यह कौन सी अवस्था कहलाती है? तो ये कहलाती है नौसिखियावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत प्रदर्शन एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत कमी को देखकर उसे दूर किया जाए और खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाया जाता है, यह कौन सी अवस्था कहलाती है? तो यह कहलाती है नौसिखियावस्था। अगला क्वेश्चन है, ट्रेनर व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखकर अधिक ध्यान दे सकता है, यह कौन सी अवस्था कहलाती है? तो ये कहलाती है एडवांस अवस्था। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी में शक्ति की कमी को शक्ति के विकास और तकनीक में कमी को तकनीकी प्रशिक्षण के द्वारा दूर किया जा सकता है, यह कौन सी अवस्था होती है? तो यह अवस्था होती है नौसिखियावस्था, जिसमें खिलाड़ी में शक्ति की कमी को शक्ति के विकास और तकनीकी में कमी को तकनीकी प्रशिक्षण के द्वारा दूर किया जाए, तो वह अवस्था होती है नौसिखियावस्था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।